शशि शाह, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। समाजवादी पार्टी विधायक ने अपना दल यानी कमेरा वादी की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि आज जो भी सदन में हुआ उससे इतना साफ हो गया कि बीजेपी सरकार को जन भावनाओं की कोई परवाह नहीं। आज जन भावनाओं के जो मुद्दे उठाए गए उस पर चर्चा भी नहीं करना चाह रहे थे, उसे बचते दिखाई दिए। कानपुर में घर गिराने के नाम पर जला दिया जाता है, सरकार को जवाब देना होगा कि ऐसे मजबूर लोगों से बहुत से बड़े अपराधी हैं, जिन पर सैकड़ों केस है, जो प्रदेश की संपदा को निर्माण के नाम पर पूरा चाट चुके हैं, और वो लोग सरकार क्यों चला रहे हैं, ये सवाल यहाँ पर पल्लवी पटेल ने किया। आगे देखा जाए तो तमाम तरीके की जानकारियां सामने आई। सपा विधायक ये भी कहती नजर आई कि आज जिस तरह से पूरे विपक्ष ने एक साथ खड़े होकर जन भावनाओं का सम्मान करते हुए बीजेपी सरकार से सवाल पूछे, उन्होंने उसका सम्मान करे बगैर ही यहाँ पर काफी कुछ कह दिया, अब जवाब देना भी उचित नहीं समझा। उन्होंने एक बार फिर खुद को लोकतंत्र विरोधी साबित कर दिया। बीजेपी की सरकार जन विरोधी और लोकतंत्र विरोधी है। जो लोग आज मांग कर रहे हैं वह उसी जनता के द्वारा चुनकर आए हैं। सदन जन भावनाओं, जन आकांक्षाओं के लिए है। जो प्रतिनिधि वहां खड़े होकर मांग कर रहे थे वह जनता की मांग कर रहे थे। यह सच है कि हम संख्या से कम हैं, वह कभी भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो प्रश्न उठाना चाहते हैं उसे सुना भी ना जाए, उसका जवाब भी ना दिया जाए। वही मिशन 2024 को लेकर पल्लवी पटेल ने कहा कि जातीय जनगणना हम लगातार बोलते आए हैं, जब तक एक स्तर की गिनती नहीं होगी कैसे सुनिश्चित होगा कि उस समय को सम्मान और हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि अगर सरकारें जातिवाद जनगणना की नहीं कराएंगे तो उस समाज को कैसे भागीदारी देंगे, और इसे जातिवाद यहाँ पर जनगणना देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। एक एक की गिनती कराई जाए जिसकी जितनी संख्या हो भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जातिवाद जनगणना जब होगी उसमें हर किसी की हिस्सेदारी निकल कर आएगी, यह भी सुनिश्चित हो जाएगा जिसको जो मिलना चाहिए मिल भी रहा है या नहीं। वह मुद्दा पार्टी और परिवार से ऊपर उठकर देश प्रदेश के हित में है जिस पर बात होनी ही चाहिए। तो पल्लवी पटेल ने जमकर हमला बोला, क्या सही कही उन्होंने अपनी बात, इस पर राय जरूर दीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।